अच्छा डांस करती है, करना है। नहीं पूरे में तो वो ऐसे ही बस। आंटी मुझे एक आइडिया आ रहा है, हमारे साथ साथ आप भी पार्टिसिपेट कीजिए ना इसमें। पागल हो गई इसे, ये सारी बातें छोड़ो, चलो तुम लोग जल्दी से रिहर्सल करो, मुझे कोई डांस वांस नहीं करना था, चलो करो। अभी मैं तुम लोगों को चीज बताना चाहती हूँ, जब तुम लोगों की एंट्री होगी तो तुम दोनों का फेस इतना इतना कवर रहेगा, फिर दुपट्टा निकाल। लेकिन हम ये सर क्यों कवर कर रहे हैं इसमें, फेस क्यों कवर हो रहा है? अरे स्टेप होता है। ये कैसा स्टेप है, फेस क्यों कवर करना? हम परफॉर्मर लोग हैं, हमें तो गर्व से अपना फेस दिखाना चाहिए ना स्टेज पे। ओ गॉड, फेस तुझे कौन समझाए, इस ट्रेडिशनल डांस में ना कुछ कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिससे तुम्हें अपना फेस कवर करना पड़ता है। जो स्टेप पसंद नहीं है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, स्टेप को बदल देते हैं, ठीक है? तुम दोनों अपना चेहरा कवर मत करना, ऐसे ही करके डांस करो, हाथ से करो, कैसे ऐसे लगेगा जैसे तुम लोगों ने घूंघट दिया है, ठीक है? दिखाओ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। ठीक है हम सब पहुंच जाएंगे, और हाँ सुन, अगर कोई भी काम हो ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? अरे बंजू सुना तुमने? क्या? पूर्वी की सगाई पक्की हो गई है। क्या? हाँ। विनोद क्या कह रहे हो तुम? अभी अभी आई का फोन आया था। कितनी खुशी की बात है ना, वो कहते हैं ना जब पप्पा देता है ना तो झोली भर भर के देता है, मुझे तो लगता है हमारे घर पर भी पप्पा की कृपा हुई है। अब देखो ना, पूर्वी और पुन्नी दोनों बहनों की शादी इसी साल हो जाएगी। क्या हुआ पुन्नी, इतने टेंशन में क्यों है? तुझे याद है वो लड़की जिसने मेरा अफेयर सबके सामने एक्सपोज किया था, जिसकी वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, मेरे सारे सपने टूट गए, जिसकी वजह से मैं इस मिडिल क्लास हालत में हूं। उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, और अब खुद किसी मिडिल क्लास आदमी के साथ शादी कर रही और उसी में खुश है, छोटे सोच की छोटी लड़की। लेकिन मैं, मेरी जिंदगी जीने का अंदाज कुछ और है, मैं किसी अमीर आदमी के साथ शादी करना चाहती हूँ, अमीर बनना चाहती हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने वो अफेयर किया था। मुझे सख्त नफरत है इस मिडिल क्लास जिंदगी से, चीड़ होती है मुझे जब आज भी भाई के साथ बस और ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। बचपन में भी आई और बाबा ने मुझे एक बड़े से स्कूल में एडमिशन तो दे दी, पर मेरी बाकी की जरूरतें वो कभी पूरी नहीं कर पाए, स्कूल की फीस तक भरने के लिए घर के चार खर्चे कम करने पड़ते थे, मेरे फ्रेंड्स के पास आलीशान घर होते थे, स्कूल से आने जाने के लिए गाड़ियां होती थी, जबकि मैं, मुझे स्कूल उस घटिया से बस में जाना पड़ता था। आज भी उनकी और मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं हुआ, किसी अमीर आदमी से शादी करके अपनी गृहस्थी चला रही है या फिर अपने पापा का बिजनेस संभाल, पर मैं वही मिडिल क्लास जिंदगी में अटकी हुई। लेकिन नहीं, अब और नहीं, मुझे ये समझौते की जिंदगी मंजूर नहीं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जिन्हें मैं हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। वो पूर्वी, वो शायद उस मिडिल क्लास लड़की के साथ खुश भी रहे, क्योंकि उसकी लेवल ही उतनी है, उसकी कोई बड़ी जरूरतें तो कभी थी नहीं और ना कभी होंगी, उसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का तरीका आता है। जिंदगी में कोई हैपनिंग लग कभी नहीं आ सकता, कभी पूर्वी, कुछ काम था सर? वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। थैंक्स सर, किस लिए? आप हमारी चौल का रेनोवेशन करा रहे हैं ना, उसी के लिए। यकीन मानिए सर, चौल वाले सब लोग आपको बहुत दुआएं देंगे और सारी जिंदगी भर आपको याद भी रखेंगे। Well, I just hope it pays off. मतलब मिस पूरी, एक्चुअली तुम तो जानती हो मैं ये सब अपनी कंपनी की गुडविल के लिए कर रहा हूँ। हमारी जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज जितना ज्यादा सोशल कॉजेज में ध्यान देंगी उतना ही ज्यादा हमारी गुडविल बढ़ती है, तो जितनी ज्यादा हमारी गुडविल उतने ज्यादा हमारे प्लान,
जितने ज्यादा क्लाइंट्स उतना ज्यादा प्रॉफिट, सिंपल। सर मैं चाहूंगी कि आपकी कोशिश जरूर कामयाब हो, आपका और आपकी कंपनी का गुडविल एक साथ बढ़े और आपको ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मिले, और देखना सर ऐसा जरूर होगा। थैंक यू। क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, पापा उसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर। इट्स ओके। और हाँ सर, वो एक्चुअली चौल के सभी लोगों ने आपके लिए और मानव बाबा कि मानव सर के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं चाहती हूँ कि आप भी उसमें जरूर आए। well, पता नहीं कि मैं अपना काम खत्म करके कब तक आ पाऊंगा, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ। कमिन कमिन सर, ये फ्लावर्स हैं आपके लिए। well, हम सबकी तरफ से थैंक यू, बट किस लिए? यूँ तो हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि आपने ना सिर्फ हमारी सैलरी बढ़ाई है बल्कि कंपनी के बॉन्ड्स भी हमें दिलाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के होने वाले हर प्रॉफिट में छोटा सा ही सही लेकिन हमारा भी हिस्सा होगा। सर वैसे तो हम सब इस कंपनी को पहले से अपना मानते हैं, लेकिन आज आपने उस अपनेपन को और बढ़ा दिया। थैंक यू सर। सर जब आप पहली बार इस कंपनी में आए थे और हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया था, तो हम लोगों को आप पर बहुत गुस्सा आया था। एज ए बॉस हम लोग आपको हमेशा गलत समझते रहे, लेकिन आपने हम लोगों की सैलरी बढ़ाकर हमें हमारी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। सर जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है उस पर खरा उतरने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मिस्टर सतीश, आप जैसे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना मेरी एक भूल थी। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और ये आपको एक रेस देकर मैंने सिर्फ अपनी भूल को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश। So I hope it works for you. Sure, sir. Thank you very much. ये बढ़िया प्लान है। रात को दूध में गोली मिलाकर उसे मैं पिला दूंगा, सुबह तक काम तमाम, ना रहेगा बात ना बचेगी बासुरी, फिर मैं आजाद जिंदगी जीऊंगा। बुड्ढा शायद मुझे मारने का प्लान कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं मैं उससे कम नहीं हूँ। रुक बुड्ढे, पहले तुझे पहुंचाऊंगे बाद में मैं जाऊं। मुझे मारने का प्लान कर रहे थे ना? अरे मेरी इतनी अच्छी किस्मत का, और किस्मत होती भी तो मेरी हिम्मत कहाँ है? क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, मेरे पुराने नाटक की सीरीज देख रहा था और डायलॉग याद कर रहा था। चमार थे ना? और नहीं तो क्या? वाह क्या दिन थे वो, वो नाटक के दिन, वो धमाल, वो मस्ती, वो तालियां, वो इतना पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम, अरे वाह वाह वाह, मैं ऐसे आजाद पंछी की तरह घुमा करता था। ऐसे ऐसे तुम्हारे पर मैंने काट दिए पंछी नीचे, और ये पंछी के पर काटने के लिए मैं चाली के बच्चों को भेजती थी, बूढ़े को ढूंढ लाओ, तभी जाके बुढ़ा घर में आता था। पंछी पंछी पंछी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा, तुम्हारे साथ शादी करके मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी में रह के बर्तन मांगे, कपड़े धोए, नीचे से पानी भरा, लेकिन मेरा बेटा, उसे पता चला अपनी माँ कितनी तकती है, उसने अपनी माँ के लिए कनाडा में मुझे ला के बिठाया। वाह वाह वाह, ऐसी जिंदगी मैं पहले से डिजर्व करती थी। अभी तो मेरे बेटे ने वहाँ इंडिया में बड़ा सा घर बनाया है, सविता सदन, उसमें मॉडर्न फर्नीचर होगा, यहाँ वहाँ नए नए शो पीसेस होंगे, आजू बाजू में 10-12 नौकर होंगे, और ये महलों की रानी वहाँ बैठेगी। ऐसे ये अच्छी गोली दी है मैंने। ते
देख तूने तो सबको बहुत जल्दी अपना बना लिया। अब तो हमारा ही रिश्ता देख, हमारा कोई रिश्ता नहीं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी तू मुझे आई क्या। आंटी मेरी स्टोरी सुन के आपकी आंखों में आंसू? खैर मैं उस औरत के लिए अब रोना नहीं चाहती, इनफैक्ट मैं अपने आंसू वेस्ट करना ही नहीं चाहती। तो बचपन से लेके आज तक मुझे पता है मैंने क्या दिक्कतें सही है, मैं कैसे जीऊं। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में कभी आई की कभी पूरी नहीं हुई। आपको पता है जब मैं आपको देखती हूँ ना तो आप में मुझे अपनी आई नजर आती है। काश मेरे बाबा को भी आप जैसा कोई जीवन साथी मिला होता तो वो कितने खुश होते। और मैं ही नहीं, मेरी बहन ओ भी आपको उतना ही प्यार करती जितना मैं करती हूँ। उस औरत ने ना सब कहते मुझे इस औरत से हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया हमारे लिए, एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली टच, थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आप सब लोगों का स्ट्रगल देखा है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, मैं देख चुका हूँ। और फिर भी आप सब लोग अपनी लाइफ में छोटी से छोटी खुशी ढूंढ निकालते हैं और उस छोटी से छोटी खुशी को भी सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। और जो ये रेनोवेशन का प्लान है वो सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड को सल्यूट करने की। सच अ ग्रेट मैन यार, आई मीन इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम्स को कितनी अच्छी तरह एनालाइज कर रहे हैं, और ना ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं बल्कि उन्हें दूर करने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन है सर का, एक ही नजर में हमारी सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर ली उन्होंने। वो एक्चुअली सर हमारे घर आए थे, होली वाले दिन हमारी मीटिंग थी और कुछ लोगों ने हम पे रंग लगा दिया तो फ्रेश होने के लिए हमें घर आना पड़ा। ओह आई सी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, ये जो रेनोवेशन का आइडिया है वो मेरा नहीं, एक्चुअली आप लोगों के बीच, आप सबके बीच एक ऐसी शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मुझे ये आइडिया है, जिसकी वजह से मैं पहली बार स्टॉल में आया, आपकी स्टॉल की कंडीशंस को देखा और ये रेनोवेशन का ख्याल मेरे दिमाग में आया। सो द क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन, थैंक यू वेरी मच। सर आप वाकई में बदल गए। And now you really deserve these claps. Arjun, as a businessman, तुम्हारी काबिलियत मैं पहले से ही जानता था और हमेशा से मैंने उसकी रिस्पेक्ट भी की है और गर्व भी महसूस किया है, लेकिन आज मेरी मुलाकात एक नए अर्जुन के साथ हुई, ऐसे अर्जुन के साथ जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है। I'm so proud of you. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए आज का दिन यादगार बना दिया। नो 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 पूरी, इनफैक्ट तुमने मेरे लिए ये दिन यादगार बना, तुम सब लोगों ने मेरे लिए ये दिन यादगार बनाया, थैंक यू। तुम तो मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थी, वंडरफुल, यू डांस रियली वेल। आई मीन काम तो तुम अच्छा करती हो बट इतना अच्छा डांस करती हो मुझे नहीं पता था। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज तुमने हम सबको वाकई में सरप्राइज कर दिया। हाँ बेटा तुम्हारा डांस वाकई में बहुत अच्छा था। मैंने सब कुछ आई से ही सीखा है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन सर। Thank you.
अर्जुन मैं अभी आया। अर्चना? हाँ मानव। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं मानव। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही हूँ मानव, कुछ नहीं हुआ सच्ची। मैं निकल रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आप जाइए मानव, आज मुझे अपनी बेटी के लिए रुकना है। आई आई तो रो क्यों रही है? आई क्या छुपा रही तू मुझसे? पूर्वी मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। एक झूठ मत बोल, ऐसा लगता है आंखों में आंसू क्यों? आंसू का क्या है पूर्वी, खुशी में भी आते हैं और दुख में भी। तुझे आज यहाँ नाचते देख मुझे मेरे तेजस्वी ने और वो भी किया था। मैं इस औरत को कभी समझ पाऊंगा भी या नहीं। लोगों के सामने तो ऐसा बिहेव करती है जैसे कितना मिस करती है अपनी बेटियों को, लेकिन हकीकत में इसे उनकी जरा सी फिक्र नहीं है। कभी कभी तो अपने आप पर ही गुस्सा आता है कि मैंने ऐसी औरत से शादी क्यों की, लेकिन फिर सोचता हूं शायद वो पहले ऐसी नहीं थी। पिछले 18 सालों ने इसे बदल दिया है, उसकी माँ ने, उसके हालातों ने, अकेलेपन ने उसे लालची बना दिया है, या फिर वो पहले से ऐसी थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से उस पर गुस्सा भी आता है और एक तरफ तरस भी आता है, लेकिन नहीं, मैं क्यों तरस खाऊं उस पर? तरस तो मुझे अपने आप पर आना चाहिए। ये लो मैडम, यहां बैठिए। तेज तो रो क्यों रही है? पता है मुझे लगता है चौल में बाढ़ आ जाएगी। वहां पर आई मेरे लिए रोना धोना कर रही है और यहाँ पर तू। लेकिन तेरा रोना धोना क्यों चालू है पता ना? अच्छा तुझे पता है आज तुमने अपने स्टेज पे ना एक से बढ़कर एक हरकत करी। पहले तुझे अपना घूंघट नहीं उठाया और उसके बाद तू आधे गाने में स्टेज छोड़ के भाग गई। पता ना पूर्वी। हाँ आई, देख ना बाहर लोगों को भूख लगी है, खाने का क्या इंतजाम है देख करा। तेरे पापा गए तेज, आंटी मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो अपने आप को जैसे तैसे संभाल लूंगी। मुझे अपनी सिस्टर ओवी की बहुत चिंता है। आपको पता है जब से उससे फोन पे बात की है ना मैंने, वो कितना मेंटली डिस्टर्ब साउंड कर रही थी। आपने उस दिन बात की थी ना जिस दिन महाशिवरात्रि की पूजा थी। थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मैं ये पूजा सही तरीके से कर भी पाऊंगी कि नहीं। आपने तो मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया जैसे जैसे कोई अपना ही हो। तेज मुझे एक बात बता, तेरी आजी ने तुझे मुंबई के बारे में हर एक चीज बताई, हमारे कल्चर के बारे में तुझे हर एक चीज बताई, तो क्या तुम्हारी आजी ने तुम दोनों को ये नहीं बताया कि महाशिवरात्रि क्या होता है? नहीं हमने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। इनफैक्ट पता है जब मैं इंडिया आई मैंने देखा कि महाशिवरात्रि की पूजा इतने बड़े स्केल पे मनाई जाती है, मेरे लिए भी काफी शॉकिंग था। मैंने उन्हें फोन पे कंप्लेंट भी की कि आपने हमें महाशिवरात्रि की पूजा के बारे में नहीं बताया। जी वो एक्चुअली गलती मेरी है, मैं ही बिना देखे रास्ता क्रॉस करी थी और एक्सीडेंट हो गया। आप ये सच कह रही है क्या, किसी के दबाव में अगर कह रही है? जी मुझ पर किसी का दबाव नहीं। वो एक्चुअली हुआ ये कि मैं ईयरफोन्स लगा के रोड क्रॉस करी थी, इनकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आप कोई कंप्लेंट लिखवाना चाहती हैं?
जी नहीं। My God, Miss Pune, thank you so much. तुमने मेरी जान बचा ली. I owe you a lot. Thank you. अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, क्या मैं आपके लिए थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकती? Thank you. आपकी जगह कोई और होता तो एक्सीडेंट करके भाग जाता, पर आप मुझे यहाँ लाए, मेरा इलाज कराया. थैंक यू. और फिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना? राइट. थैंक यू. अरे इतनी देर हो गई, मेरी आई घर पे कितनी परेशान हो रही होगी. ऐसे भी वो आजकल परेशान रहती है मुझे. डोंट वरी मैं आपको घर भिजवा देता हूँ. आपने तो और उल्टा उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया, उसकी ट्रीटमेंट कराई, घर तक पहुँचाया. थैंक यू सो मच सर. That's okay. It's just, I'm extremely sorry. No. Just, we'll go home. Sir? एक सेकेंड सर. सर आप ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हैं सर? I mean, are you okay? I'm okay actually. I think वो गाड़ी रोकते समय कुछ मोच वगैरह आ गई होगी, बस थोड़ा सा दर्द है. But you need help? No. Sir, एक सेकंड सर, आप ऐसे कैसे जाएंगे? I'll help you out. It's okay. It's okay, sir. I'll help you out. Not a problem. Yeah. आइए. ने तो मुझसे कहा था कि पुण्य का एक्सीडेंट हुआ है, उसे चोट आई है, फिर ये अर्जुन सर को कहां ले जा रही है और क्यों? मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उस औरत को माफ कर दूं. नफरत है मुझे उस औरत से. फोटो नहीं देख सकती मारा, इसे क्यों कर रहे हैं? एक बार मुझे फोटो तो दिखा दीजिए, इतना हक तो बनता है ना मेरा. जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो वो हक जताते हुए अच्छे नहीं लगते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है मारा? मैं उनकी माँ हूं मारा, वो मेरा अंश है, मैं आपसे अलग नहीं कर सकती. मेरी बेटियों ने कभी ये नहीं पूछा कि उनकी माँ कौन थी. मेरी बेटियों को कभी मेरी याद नहीं आई मानो. क्या बताया आपने मेरी बेटियों को मेरे बारे में? बोले कैसी थी, कौन थी, उनके यहाँ क्या था? मुझे जानना है मानो, मेरे बच्चों के यादों में मेरी छवि कैसी है, वो क्या सोचती है मेरे. क्या सोचती है इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूँ कि आपने उनसे क्या कहा होगा. यही कहा होगा कि उनकी आई सबसे बुरी है इस दुनिया की, और मेरे बच्चों ने मान भी लिया होगा. ऐसे भी अब तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बच्चिया मेरे बारे में क्या सोचती है और आपने उनसे क्या कहा है. Stop it. Please stop it, अर्चना. ये मत भूलो कि सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हम दोनों एक साथ इस घर में रह रहे हैं, बाकी हम में कोई रिश्ता नहीं, और इसीलिए तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता. आपको जवाब देना पड़ेगा माना, आपको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा. मानती हूँ मैं एक बुरी औरत हूँ, एक बुरी माँ हूँ. बचपन में अपने बच्चों को मैंने अपने आप से दूर कर दिया, उन्हें अलग कर दिया, ना उनसे कभी बात की, ना उनके बारे में कभी जानने की. तो फिर आज ही क्यों, आज ही क्यों बात करनी तुम्हें उनके बारे में? शायद एक पल के लिए तुम्हें बच्चों की याद आ गई,
तुम्हारी ममता जग गई। थैंक गॉड, आज एक पल के लिए से तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा तो हुआ मगर अफसोस तुम्हारी ममता सिर्फ एक पल की है। लेकिन ऐसा होता है अर्चना, इंसान चाहे कितना भी पत्थर दिल क्यों ना, अपने बच्चों का नाम सुनने के बाद एक पल के लिए सही निकल जाता है। तुम्हारे साथ भी शायद यही हुआ है, शायद इसीलिए तुम्हें यह जानकर बुरा लग रहा है कि बच्चे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते। लेकिन ये सब तुम्हारा ही किया दरा है अर्चना, क्योंकि तुमने रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी। लेकिन मैं ऐसा नहीं, जिस बात की अहमियत समझता हूं इकाई की ममता को भी समझता हूं। ये लो देख लो अपने बच्चों की फोटो। बच्चे हमारे प्यार की निशानी है, क्या पिछले 18 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं आया जब तुमने हमारे बारे में सोचा हो? कितनी बदल गई हो तुम अर्चना, क्यों सिर्फ पैसों के लिए? तुम्हें पता है तुम्हारी अच्छाई पर पैसों का पर्दा पड़ गया है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी तुम्हारी कौन सी जरूरत है जिसने तुम्हें ऐसा बनने पर मजबूर किया है। पहले तुम दिल से सोचती थी लेकिन अब दिल पर दिमाग हावी हो गया है। पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे आंसू ये जता रहे हैं कि आज भी वो अर्चना जिंदा है जिसे अपने बेटियों की फिक्र है। जो कुछ भी मांगूंगी मैं तुम्हें सब दूंगा, क्योंकि आज एक पल के लिए से आंटी मैं ना इंडिया वर्क को ट्रेन होकर के आई हूं। पैसे वहां पे नहीं है, पैसे तो यहां पे। क्या बात है बहनी, आज आप बहुत मुस्कुरा रही है। नहीं बंधु ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस। अच्छा तुझसे बात पूछूं? तूने कभी तेजस्विनी और ओवी को देखा है? नहीं अब तक तो नहीं, क्योंकि वो दोनों कभी इंडिया आए ही नहीं तो मैं उनसे कैसे मिल पाती। लेकिन हाँ उन लोगों से फोन पर बात जरूर हो जाती है और बाबा उनकी फोटो भेजते रहते हैं। वहीनी मेरे पास उनकी फोटो एल्बम है, आप देखना चाहेंगी? हाँ मुझे देखनी है बंधु। पता नहीं ये एल्बम दिखाने का आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ये देखिए वहीनी, ये ओवी और तेजू के 8th बर्थडे की फोटो है। और यहाँ देखिए ना, कितना रोते थे, कितना लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा ही दादा को परेशान करते रहते। और ये रहे आज के तेजू और ओवी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।